स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2020 की तैयारी कर रहे हैं, यानी अभी क्लास 11th में। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि नीट और आईआईटी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में घुसने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी और मेडिकल के लिए नीट, इन एग्ज़ाम से घुसने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है। यदि आप नीट देखेंगे, ठीक है, और इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए, आपको है ना अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। जो लोग सोच नहीं पा रहे कि तैयारी कैसे करें, नीट के सिलेबस में 97 चैप्टर्स हैं, है ना। ये तो आपका टारगेट हो गया कि ये आपको खत्म करना है, और फरवरी 2020 में आपका पहला एग्जाम होगा। उसके अंदर अभी 78 वीक्स यानी 18 महीने बचे हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए इसको 100 मान लीजिए, हर चैप्टर में 20 घंटे, ठीक है, और एक मिनट के लिए इसको 80 मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 80, 25 आवर्स। ठीक है, यानी 25 आवर्स पर वीक यदि आप स्टडीज करेंगे, 25 घंटे सिर्फ लग रहे होंगे, यानी दिन के 3 से 4 घंटे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये जो चीज है, ये आप यदि आज से तैयारी चालू करेंगे, हालांकि आपको 2-3 महीने पहले से तैयारी चालू कर देनी चाहिए थी, पर देर नहीं हुई है, आज से तैयारी चालू करेंगे तो ये 25 घंटे पर हफ्ते सफिशियंट है। अब ये वाली जो चीज है ना, इसको आपको अभी समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछे, इस समय पे आके जब एग्जाम में 6 महीने 7 महीने बच जाते हैं, तो वो कहते हैं काश, ये वर्ड आता है बस, काश मैंने 11th में तैयारी चालू की होती, काश मैंने 11th में तैयारी चालू की होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से तैयारी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो तैयारी है, हम कैसे कराते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, आप समझ लीजिए। आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना है, नीट प्रेप का वीडियो, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। इसके बाद क्या होता है, लाइव सेशन होता है, जिसमें फैकल्टी आके इन वाले सवालों को सॉल्व करती है, जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए क्या है, आप अभी 10th से 11th में आए हैं, बहुत सारी चीजें आपको नई नई लग रही होंगी, भारी लग रही होंगी, डिफिकल्ट लग रही होंगी, बहुत ज्यादा लग रही होंगी। जब टीचर यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं ना, आप खुद पहले पढ़ के आए, फिर टीचर आपको क्वेश्चन दिया, आपने ट्राई किया, फिर टीचर ने सॉल्व किया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको है ना हाथ चलने लगेगा, है ना। ये नहीं लगेगा कि अरे मैं न्यूमेरिकल कैसे करूंगा, आज तक तो मैंने इस तरह के बड़े बड़े न्यूमेरिकल किए नहीं थे 10th तक। और इसके बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन पर चैप्टर और बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस कर लेंगे, इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये वाली चीज है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि इस सारी चीज को करने के लिए आपको हर चैप्टर 20 घंटे चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 78 हफ्ते, ठीक है, एक तो ये 97 चैप्टर, 100 मान लिए, 20 घंटे, 2000 घंटे बन गए, ये देखो 20 घंटे यहां से आ रहे हैं, है ना। तो 2000 डिवाइडेड बाय 80 हफ्ते, 25 घंटे की पढ़ाई। पहली बार में फरवरी 2020 में एग्जाम होगा, जबरदस्त तैयारी होगी, फिर आपका मई में होगा, 3 महीने का रिविजन, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चीजें समझनी है स्टूडेंट्स की, क्या बहाना है जो आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की, ठीक है, क्या बहाना है जिसमें आपने अभी तक तैयारी चालू नहीं की। ठीक है, खुशी की बात यह है कि जब हमारा मोशन इन अ प्लेन का लाइव सेशन हो रहा था 1 हफ्ते पहले, ठीक है, यह आपका तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का, वैसे चौथा है, पहला फिजिकल वर्ल्ड है तो उसके हिसाब से चौथा हुआ। इसमें बहुत सारे बच्चे 2020 के बैठे हुए थे, तो मुझे उसे देख के बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ बच्चों ने तैयारी चालू कर दी। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूजेस बोल लीजिए, ठीक है, बहाने क्या है, ठीक है, अभी बहुत टाइम है, लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग, सर बहुत टाइम बचा है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, फोकसिंग ऑन स्कूल स्टडी, सर मेरी स्कूल में पिटाई हो रही है तो नीट तो हो जाएगा बाद में, अभी मैं स्कूल संभाल लूं, है ना, ये दूसरा बहाना है, बहानों की फहरिस्त तो बहुत आराम से बनती है। ठीक है, तीसरा बहाना क्या है, सर मुझे पता नहीं है कैसे तैयारी करूं,
डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। चौथा बहाना क्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं, डोंट हैव एनीवन टू गाइड मी, ठीक है। और फिर और एक और महान बहाना मैंने आजकल सुना है, सर पता नहीं नीट का सिलेबस चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है। गाइज ये सब है ना, अब आप एक एक करके देख लीजिए इन बहानों को। एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है नीट की तैयारी के लिए भी, तो जब आप नीट की तैयारी करते हैं ना तो आपकी स्कूल की स्टडीज जो है ये भी होती है, ठीक है। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ स्कूल स्कूल स्कूल, ठीक है, चीज सही है, पर अभी क्या है, क्योंकि नीट का सिलेबस ऐसा है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, स्कूल के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, और नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, ठीक है, जो हमने आपको देखो यहां पे हम करने के लिए कह रहे हैं, यहां पे प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो यदि आप नीट की तैयारी करना चालू करते हैं, ठीक है, इन वीडियो से, तो उससे आपकी स्कूल की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्कूल में आपके नंबर इसलिए अच्छे नहीं आ रहे कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये वीडियोस इन्हीं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो स्कूल वाला बहाना खत्म हो गया। लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये नहीं समझ आता कि ड्रॉप करके यदि वापस तैयारी करने की कोशिश की तो सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो 25 घंटा पर आवर है, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंस ऑफ 25 आवर्स पर वीक बोला है, आज से करना चालू करेंगे, सिर्फ 25 घंटे पर हफ्ते आपको करना है, ठीक है, 25 आवर्स पर वीक, ज्यादा नहीं, 25 आवर्स पर वीक आपको करना है। तो टाइम ज्यादा नहीं है यदि आप तमीज से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा है यदि आप सोचते हैं कि लास्ट के 3 महीने में तैयारी कर लेंगे, गारंटीड सिलेक्शन नहीं होगा। और डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर, डोंट हैव एनीवन टू गाइड मी, ये सारा आपका नीट प्रेप के चैनल से हो जाएगा। ये लाइव सेशंस में मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस बता रहा हूँ। आप कहीं पे भी बैठे हैं, अनंतनाग में, पुलवामा में, आरसपुरा में, अररिया में, खगड़िया में, बिहार में, रुद्रपुर में, ठीक है, राजनांदगांव में, महसाना में, भरतपुर में, करौली में, कहीं पे भी है, आपकी तैयारी हो जाएगी क्योंकि गाइडेंस हम सारी आपको दे देंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यदि आपका सपना है डॉक्टर बनने का, ठीक है, और आप मेहनत करने के लिए तैयार है, हार्डवर्क डालने के लिए तैयार है, तो उसके अलावा बस आपको नीट प्रेप का वीडियो कोर्स चाहिए, ठीक है। सपना है डॉक्टर बनने का, नहीं है डॉक्टर बनने का सपना तो रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर बनो नर्स बनो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं आपको एक नंबर देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख दो नंबर, चलिए बड़ा बड़ा नंबर लिख देता हूं, 8929375736, ये नंबर वीडियो के टाइटल में भी पड़ा हुआ है। यदि आपके बहाने हैं पर आपको दिल में लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है हर हालत में, मेरा बचपन से सपना रहा है और मैं मेहनत करने को तैयार हूं, इस वाले नंबर पे ना व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, और मैं आपको इन बहानों से निकालूंगा और कोशिश करूंगा आज से आप तैयारी करना चालू करें, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट, वापस 25 घंटे हर रोज आराम से तैयारी हो जाएगी, बाद में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। और बहुत सारे बच्चे वही, काश मैंने तैयारी चालू की होती।